स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.19 फ्रॉम पेज नंबर 234 ऑफ दी इक्विलिब्रियम है राइट तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं अ सैंपल ऑफ प्योर PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड वेसल एट 473 केल्विन आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेनड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी

एड किया और उस टाइम पे टेम्परेचर 473 सेवेंटी कैलविन था राइट तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो उस टाइम पे जो पी फाइव की कंसेंट्रेशन देखी गई है

पी सी एल थ्री गैस प्लस सी एल टू गैस राइट अब इन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट की ही डायरेक्ट बात की है इनिशियल कंसेंट्रेशन की कोई बात ही नहीं की राइट right? सो so, आप यहां पे लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो पी सी एल फाइव है वो जीरो पॉइंट फाइव इन टू टेन रेस टू पार माइनस वन मोल लीटर इनवर्स जो है प्रेजेंट है राइट और जो पी सी एल थ्री और सी एल टू फॉर्म हुए हैं इन्हें मैं इनवर्स मान लेती हूँ राइट क्योंकि एक मोल पी सी एल फाइव जो है वो एक मोल पी सी एल थ्री और एक मोल ही सी एल टू बना रहा है राइट तो ये कंसेंट्रेशन में वन वन मोल के विद रिस्पेक्ट एक्स मोल लीटर इनवर्स मान लेती हूँ के सी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है दैट इज एट पॉइंट थ्री

एट पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू पर माइनस थ्री टू पीसीएल थ्री जो है ये हमने x अज्यूम की है अभी आप यूनिट जो है इन्हें इग्नोर कर सकते हो राइट और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन भी मैंशन कर देंगे सो ये भी x है डिवाइडेड बाय पीसीएल फाइव की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पार माइनस वन गिवन मल्टीप्लाई कर दूंगी राइट और वैल्यूज को रीअरेंज करके लिखती हूँ एक्स so, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू एट पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू पार माइनस थ्री इंटू जीरो पॉइंट फाइव Into 10 raise to minus 1 आ जाएगा, राइट तो जब आपने दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर सकते हो टेन रेस टू पर माइनस थ्री माइनस वन आ गया राइट अब एक्स स्क्वा फोर पॉइंट वन फाइव इन टू टेन रेस्टू पर माइनस थ्री माइनस वन ये टेन रेस्टू पर माइनस फोर आ जाएगा अब हमने इनका स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है राइट तो इसके लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगी राइट सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो जब मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जो दूसरी वैल्यू है उस पे स्क्वायर रूट आ गया सो फोर पॉइंट वन फाइव इन टू टेन रेज टू पर माइनस फोर पे स्क्वायर रूट आ गया तो जब आपने फोर पॉइंट वन फाइव का स्क्वायर रूट किया तो इट विल बी एक्स इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फोर और टेन रेज टू पर माइनस फोर जो है इसका स्क्वायर श्योरली माइनस टू के इक्वल आएगा राइट right? तो ये जो कंसेंट्रेशन आ रही है ये टेन रेज टू पर माइनस टू का मतलब क्या है इट इज x इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फोर इन टू अब माइनस टू का मतलब है कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में टू मीन कि यहां पे हंड्रेड है राइट तो ये टू पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाय हंड्रेड हो जाएगा सो so, जब आपने टू पॉइंट जीरो को हंड्रेड से डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो पॉइंट टू जीरो फोर अप्रॉक्स आ रही है राइट right? तो अगर आपको अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता है राइट right? तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है ठीक है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन आ रही है पीसीएल थ्री और सी एल टू की ठीक है ये लिख लेते हैं देयर फोर एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ पी सी एल थ्री ये हमने एक्स्यूम की थी और एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट टू जीरो फोर आ रही है राइट right? यूनिट आप साथ में मोल लीटर इनवर्स मेंशन कर सकते हो नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ सी एल टू जो है ये भी हमने एक्स्यूम की थी और इसकी वैल्यू भी जीरो पॉइंट टू जीरो फोर मोल लीटर इनवर्स के इक्वल आ रही है